यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस खान ने पुनहाना अपने आवास पर पहुंचने के बाद पत्रकार वार्ता में भाग लिया और कहा कि बीजेपी की मुसलमानों को लेकर सोच बहुत अच्छी है, तभी मुसलमानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुनहाना में सीएम मनोहर लाल खट्टर की एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें इलाके की समस्याओं के निवारण के लिए कई घोषणाएं भी की जाएंगी। साथ ही उन्होंने अपना रास्ता साफ कर दिया और कहा कि अब वो अगला चुनाव बीजेपी से ही लड़ेंगे, अब बीजेपी को वो धोखा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कि सरकार प्रशासन ने नमाज पढ़ने से रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पिछले जुम्मे की नमाज के लिए करीब 23 स्थान चिन्हित किए गए, जहां शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई थी। और गुरुग्राम में जो 23 स्थान फिलहाल जुम्मे की नमाज के लिए मिले हैं, वो सीएम मनोहर लाल की सहमति के बाद ही मिले हैं। साथ ही हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस खान ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखो जी, मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो मंत्री पद दिया है, सबसे पहले तो मैं पार्टी का और मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो मुझे पद दिया है, ये मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो मुस्लिम समाज के बारे में बहुत अच्छी सोच है। निर्दलीय विधायक होते हुए भी जो उन्होंने इतना बड़ा पद मुझे दिया, तो इस बात से ये दर्शाता है वो मुस्लिम समाज का मान सम्मान करना चाहता। देखो, जिन लोगों ने नमाजियों का विरोध किया था, उनके खिलाफ FIR हो गई, कानून ने अपना काम किया, वो जेल चले गए। सरकार ने तो अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, उनको बढ़ावा थोड़ी दिया किसी ने।